नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पारडी पालिका के अध्यक्ष पद पर हसु राठौड़ और उपाध्यक्ष पद पर संगीता पटेल विजेता घोषित। सरीगांव में 7-11 कंपनी में लगी भीषण आग। वलसाड रूरल पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दादरा नगर हवेली में संदीप कुमार सिंह ने 24 घंटे के अंदर सड़कों के पुनरुद्धार का किया आदेश। अब समाचार विस्तार में। पारडी पालिका के अध्यक्ष के तौर पर हसुभाई राठौड़ और उपाध्यक्ष के तौर पर संगीता बहन पटेल विजेता घोषित हुए। पारडी नगर पालिका का चुनाव गुरुवार को चुनाव अधिकारी सीपी पटेल के अध्यक्ष स्थान पर आयोजित हुआ था। चुनाव में कार्यवाही शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई थी, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पक्ष के लिए फॉर्म भरने की कार्यवाही शुरू करने में आई थी, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर हर्षुभाई राठौड़ और उपाध्यक्ष के तौर पर प्रथम संगीता बहन किरण पटेल मैंडेट चुनाव अधिकारी को भाजपा की ओर देने में आया था, जब कांग्रेस की ओर अध्यक्ष के लिए गुरमीत सिंह प्रीतपाल सिंह पाल और उपाध्यक्ष के तौर पर चंद्रकांत पटेल के नाम का मैंडेट देने में आया, जिसमें मतदान की प्रक्रिया शुरू करते भाजपा की ओर से हसमुख भाई सोमा भाई राठौड़ को 17 मत मिले, जब कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवार गुरमीत सिंह पाल को 11 मत मिले, जिससे ज्यादा मत हसमुख भाई राठौड़ को मिलते चुनाव अधिकारी सीपी पटेल ने अध्यक्ष पद के लिए विजेता घोषित करने के बाद 5 मिनट के वक्त के दौरान उपाध्यक्ष के लिए चुनाव शुरू करने में आया था, जिसमें संगीता बहन पटेल को भाजपा की ओर से 17 और कांग्रेस के उम्मीदवार सोनल पटेल को 11 मत मिलते संगीता बहन को ज्यादा मत मिलते विजेता घोषित किया था। पर शुरुआत में पारडी शहर भाजपा अध्यक्ष राजेश पटेल ने खड़े होकर अध्यक्ष के लिए हसुभाई राठौड़ और उपाध्यक्ष के लिए देवेंद्र शाह का नाम प्रांतीय के पास पेश किया था। तब पार्टी में दो नाम उपाध्यक्ष के लिए आते सन्नाटा छा गया था। आज भाजपा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उम्मीदवार विजेता घोषित होते भाजपा ने दूसरी टर्म में बहुमति से सत्ता हासिल की थी और कांग्रेस ने पहले दिन जो भूल की थी उसका आज पछतावा हुआ था और हार का स्वीकार करना पड़ा था और आखिर में पारडी नगर पालिका में भाजपा का झंडा लहराया था, जिसके श्रेय नए गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने अन्य पालिका में भाजपा के सभ्यों ने विद्रोह करने वालों को सस्पेंड किया उसका परिणाम आज पारडी पालिका में दिखने को मिला था, जब आज पुलिस ने नेताओं को भी पालिका में प्रवेश नहीं दिया था और चुस्त बंदोबस्त दिखने को मिला था। पर उपाध्यक्ष के पद के लिए पहले दिन अमीषा बेन मोदी का मैंडेट आया था और आज उनके बदले संगीता बेन पटेल का नाम आते मीडिया के समक्ष पार्टी अब कारोबारी चेयरमैन पद पर नहीं बिठाएगी तो उसी दिन मेरे सभ्य पद से इस्तीफा दूंगी ऐसा बताया था और पार्टी में पिछले 40 साल से कार्यकर्ता के तौर पर योगदान दे रहे होने का बताया था। चुनाव में आज निरंतर 3 दिन बाद विवाद का अंत आया था और चुनाव में भाजपा कांग्रेस के दोनों पार्टी के बीच शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई थी। चलो खोली करो सिंह कूट पड़ो।
कही सकू छू छाती ढूंके नहीं कही सकू छू संगठन हिसाब से मेरी निमणूक कर मैंने लगी रही है कारण के छाला हूँ 25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी सैनिक छू अनुजाति जिला मोर्चा में काम कर चुको छू अनुजाति मोर्चा तालुका में काम कर सको छू महामंत्री में काम सको छू पार्टी संगठन में काम कर सको छू पार्टी पेज प्रमुख में काम करू छू राजन भाई भट्टी अंडर में काम करू छू नीलेष पंडिया अंडर काम करू छू तो अमारे मारा जे प्रमुख है फाल्गुनबेन पटेल फाल्गुनबेन भट्ट એની સાથે પણ જે કંઈ અમારા જે કોરોના વાયરસને લીધે અમારા જે કામ પેન્ડિંગ છે એ પેન્ડિંગનું કામ પહેલાં મહત્વ આપશું અને અમે પહેલું કામ એ કરશું. એ તો રાજકારણમાં ચાલતું આવે છે એમાં હું કાંઈ કહી નહીં શકું પણ નક્કી હતી સાહેબ પહેલા દિવસે નહીં એનું કારણ એ કહેતો સાહેબ પહેલાં કોંગ્રેસવાળાએ અરજી આપી વિરોધ કોંગ્રેસવાળા વિરોધ અરજી આપી કે આ અનુજાતિના માણસ અમારા દાવેદી નહીં કરે તો એક દિવસનો ટેકનિકલ ફોલ્ટ હતો કલેક્ટર સાહેબ બીજી દિવસ તરત જ જવાબ આપી દીધો એટલે એમાં કંઈ છે નથી અમારા ભાજપના ચૂંટાયેલી પાર્ટી તો બધા અમારી સાથે જ હતા એ વાંધો જ નહીં હતો આ તો આ લોકો વિરોધ કર્યો કોંગ્રેસ વાળા એટલા માટે એક દિવસ ડીલે થયું રાવણ સાહેબે તરત જ એનો ખુલાસો કરીને મોકલી આપ્યો એટલે અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેક ચૂંટાયેલા સભ્યો અમારી સાથે જ હતા સંગઠન અમારી સાથે હતું ને બધા જ અમને વાત્ય ગાત્ય અમારે ખુરશી પર બેસાડો છે હું સૌનો આભારી છું સાહેબ ખૂબ જ આનંદ અનુભવે છે અમને ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે હું બે ટંકી વિજેતા થઈને આવું ભાજપમાં અને આજે હું પ્રમુખ બની છું એમના માટે ખૂબ મને આનંદ અને આભાર માનું છું ભારતીય જનતા પાર્ટીના આદેશ મુજબ જે પણ મને ઉપપ્રમુખના પદમાં નિયુક્ત કરવામાં આવી એમના માટે હું ડૉક્ટર સાહેબ કેસી પટેલ અને ધારાસભ્ય કનુભાઈનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અમારા પ્રમુખ શ્રી હસુભાઈની જોડે રહીને અમે વિકાસના હરેક કામો અમે કરીશું અરે વેટ આવું છું અને હું જરા નારાજ થઈ આજ આજ હોદ્દો કઈ આપવામાં આવ્યો નથી એ વર્ષથી એટલું જ મેં હું નથી કરી હું આજે પણ હું ભારતીય જનતા પાર્ટીને બચાવવા માટે હું અહીંયા આવી આજે હવે એવું મને ખબર અમી સામે કેમ નારાજ મને તો નારાજગી કંઈ નથી આજે તો હું ભારતીય જનતા પાર્ટીને બચાવવા માટે આવી છું કે આપણે પહેલેથી જ એમાં આપણી છે એટલે એના માટે હું આવી હા નારાજગી હતી જરાક પણ કંઈ નહીં કંઈ મળે હવે પછી મારું નામ કારોબારીમાં આવે છે કે નથી તે હું જોઉં છું કારોબારીની મિટિંગમાં મારું નામ બોલાશે તો હું સભ્યમાં રહીશ નહીં તો મારું નામ કારોબારીમાં નહીં આવશે કારોબારી ચેરમેનમાં તો મારા સભ્ય પત્ની અર્જુનામી આપવામાં આવશે ના હું હવે જોઉં છું કારોબારીમાં નામ કોનું આવે છે પછી મારા સભ્યમાંથી મારે રાજીનામું આપવું પડશે જરૂર આપવું પડશે અમે 30 વર્ષના જૂના કાર્યકર્તા છે અમારી મહેનત દરેક ઇલેક્શનમાં મારા હસબન્ડની વિલેટ ઇલેક્શનમાં ઘણી મહેનતો કરે છે અમે રાત દાડો મહેનત કરીએ છીએ 30 વર્ષથી રહ્યા ઇલેક્શનમાં જ્યારે અમારું નામ જો કાઢી નાખવામાં આવશે તો પછી સભ્યમાંથી રાજીનામું મૂકીશું એ તમને 100% ગેરંટી હતી સરીગાંવની કલર બનાતી કંપનીમાં લેગી ભીષણ આગ વલસાડ જિલ્લા કે ઉમરગાંવ તહેસીલ કે સરીગાંવ GIDC મેં કલર બનાતી 7-11 કંપની મેં ભીષણ આગ લગતી ભગદડ મચ ગઈ હતી इस आग को बुझाने उमरगांव वापी सहित के फायर फाइटरों की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी हाल इस आग पर काबू पाया गया है आग में कंपनी में तैयार प्रोडक्ट खाक हो गई है पर कोई जानहानि होने की जानकारी सामने नहीं आई सरीगांव औद्योगिक वसाहत में आई 7-11 नाम की कंपनी में जल्दी सुबह भीषण आग लगी थी यह आग लगने की जानकारी सरीगांव फायर विभाग को करते सरीगांव फायर विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू में करने का प्रयास किया था जो कि कंपनी में बड़ी मात्रा में सॉल्वेंट की मात्रा नाश होते आग फैली थी आग बुझाने उमरगांव और वापी से भी फायर फाइटरों को बुलाकर आग पर काबू लाने का प्रयास किया था 3 घंटे की जहमत के बाद आग को काबू में की होने की जानकारी मिली है तब आग में कोई जानहानि की जानकारी सामने नहीं आई पर किसी वजह से लगी आग में करोड़ का नुकसान हुआ होने का सामने आया है कारण तो पता नहीं चला 7-11 करके कंपनी है भारतीय इंडस्ट्रीज के सामने में तो उधर 2 नंबर रोड सरीगाम GIDC उसमें आग लगी थी ऐसा मैसेज मिला है 6:30 ऐसा मैसेज मिला तो हमारी गाड़ी घटना स्थल पे तुरंत पहुंच के हमारी कार्रवाई करते हुए
हमने और दूसरी जगह से हेल्प लेने की कोशिश की तो हमें हेल्प वापी जीआईडीसी वापी नगर निगम, उमरगांव जीआईडीसी उमरगांव नगर निगम, उसके बाद हमें सेलवास दमन इनकी हेल्प मिली। इस स्थिति को संभालने के लिए सबका सहयोग, हाँ तब जाके ये फायर कंट्रोल में हुई है और अभी कूलिंग का काम चल रहा है। संघ प्रदेश दमन की सीमा खुलते ही शराब तस्कर आए एक्शन में। वलसाड रूरल पुलिस ने फिल्मी तरीके से लग्जरियस कार में दमन से सूरत की ओर ले जाया जा रही शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कोविड-19 की महामारी को लेकर राज्य की सभी सीमा बंद करने में आई थी, जिसको लेकर संघ प्रदेश और दमन की सीमा भी बंद करने में आई थी। जो सीमा को दो दिन पहले ही खोलते बूट लेकरों ने शराब की हेराफेरी शुरू की है। आज रोज जल्दी सुबह वलसाड रूरल पुलिस ने चंद्रमौलेश्वर मंदिर के पास से फिल्मी तरीके से इनोवा कार में से हजारों रुपये की शराब जब्त की थी। वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार एक इनोवा कार नंबर GJ5JQ4710 गाड़ी दमन से सूरत की ओर शराब लेकर जाती होने की जानकारी मिली थी, जिस अंतर्गत वलसाड सुगर फैक्ट्री के पास से चंद्रमौलेश्वर मंदिर जाने के रास्ते पर वलसाड रूरल पुलिस ने वॉच रखी थी, जिस दौरान जानकारी के अनुसार गाड़ी आते उसे रोकने का प्रयास किया था, पर गाड़ी का चालक हितेश राणा ने गाड़ी नहीं रोकते पुलिस ने फिल्मी तरीके से पीछा कर कार में लेकर जाती 98,200 रुपये की शराब जब्त कर पुलिस ने कुल 10,98,200 रुपये के माल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। वलसाड शहर के तिथल गांव में स्थित बाइटिंग पॉइंट के पीछे की बाड़ी में पिछले 12 दिन से तेंदुए की दिखाई देने से गांव में छाया डर का माहौल। वलसाड जिला के तिथल गांव में स्थित बाइटिंग पॉइंट होटल के पीछे स्थित एक वाड़ी में पिछले 12 दिनों से तेंदुए के पंजे देखने को मिले थे, जिसके बाद तेंदुआ तिथल गांव के लोगों के नजर में आया था और गांव में डर का माहौल छाया है, जिसको लेकर आज रोज वलसाड फॉरेस्ट विभाग की तरफ से एक पिंजरा रखकर तेंदुए को पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। नाबालिग माता बनी युवती के प्रकरण में बाल कल्याण समिति ने कसूरवारों के खिलाफ की कार्यवाही। वलसाड जिला में बनी शर्मजनक इस घटना में एक नाबालिग युवती ने बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को निसंतान कपल को दे देने में आया था और इस प्रकरण अंतर्गत वलसाड हेल्पलाइन पर कॉलर का फोन आते बताया कि वलसाड जिला के एक गांव में गैर कानूनी जन्म में बच्चे को अन्य व्यक्ति को देने में आया है। तब जिला बाल सुरक्षा एकम वलसाड और चाइल्ड लाइन वलसाड द्वारा जिला बाल कल्याण समिति वलसाड के सामने पूरी घटना पेश करने में आई थी। घटना के बारे में बात करें तो वलसाड जिला के एक गांव में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत गोद लेने की प्रक्रिया का पालन किए बिना नए जन्मे बच्चे को अन्य व्यक्ति को दे दिया था, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की गोद लेने के विधान की प्रक्रिया का भंग है, जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक श्री वलसाड जिला बाल कल्याण समिति वलसाड द्वारा जिला बाल सुरक्षा एकम और चाइल्ड लाइन के संकलन से कार्यवाही शुरू कर माता और बच्चे का रेस्क्यू करने में आया था। इस पूरी घटना की हाल कानूनी तौर पर समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जब हाल माता और बच्चे की सुरक्षा को लेकर कुछ वक्त के लिए आश्रम गृह में रखने का निर्णय लेने में आया था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत जो बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी तौर पर मान्य किया जाएगा, जिस तरफ समिति ने गंभीरता से ध्यान देने बताया था। आज रोज बाल कल्याण समिति में
अठवाडिया पहला आवेली एक फरियाद उमरगाम में एक बाड़की सगीर बाड़कीए 6 महीना पहला बाड़की ने जन्म आपेलो ए बाड़की ने बन्ने फेमिलीना समझूती हती परंतु अमने बाल कल्याण विभाग में आवेली फरियादना आधारे अमे पोलिस तपास पोलिसनी टीम साथे अंदर तपास शुरू करता अमने जे माहिती मळी एमा अरजी में ए रीतनी फरियाद हती के उमरगाम में एक रैकेट चाले छे अने सगीर बाड़ाओने माता बनावीने ए बाड़कोने वेचवानू एक षड्यंत्र चाली रह्यु छे। आवा खोटी फरियादना आधारे ज्यारे अमे आवी फरियादना आधारे अमे ज्यारे तपास शुरू करी त्यारे आज रोज गई काले आजे रेस्क्यू करवानू एमा आपड़ा नवनियुक्त डीएसपी साहेब झाला साहेबे जे टीम ने ऑर्डर करेलो एमनी साथे उमरगाम टीम साथे अमारी डीसीपीयू अने सीडब्ल्यूसीना टीम साथे गयेली अने साथे जे तपासमां जे माहितीओ बहार आवी छे अने एक समाजना एक ढकलो बेसाड़वा के समाजने एक जानकारी आपवानो एक अमारो शुभ आशय छे के माता पिता ए बाळको माटे भगवान छे अने माता पिताए बाळकोने केवी रीते समझ आपवी जोईए एना माटे एक उदाहरण पूरु पाडवानो एक शुभ आशय छे के तमे ज्यारे तंदुरस्त समाज इच्छता होय तो एमां सौ प्रथम दरेके दरेक व्यक्तिनी एक मोटी जवाबदारी बनी जती होय छे। वलसाड शहर में गुरुवार को सिटी पुलिस तथा वलसाड नगर पालिका की टीम द्वारा सघन ट्रैफिक जांच अभियान चलाया। वलसाड शहर में गुरुवार को सिटी पुलिस और नगर पालिका की टीम ने हालर चार रस्ता से लेकर आजाद चौक तक ट्रैफिक जांच अभियान चलाया था, जिसमें दुकानों के बाहर ट्रैफिक जाम होते वाहन पार्किंग और दुकानों के डिस्प्ले जब्त कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी और शहर के मुख्य मार्ग पर होते ट्रैफिक जाम हल करने का प्रयास किया था। शहर के रोड पर दुकानदारों द्वारा किए गए दबाव को दूर कर रास्ते पर जगह करने में आई, जिसको लेकर वाहन चालकों ने राहत का अनुभव किया था। दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। जिला अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए 24 घंटे के अंदर सड़कों के पुनरुद्धार का दिया आदेश। दादरा नगर हवेली जिला अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने सिलवासा शहर और उसके आसपास के टूटे हुए मार्गों को 24 घंटे के अंदर रिपेयर करने का आदेश कंस्ट्रक्शन कंपनियों और सिलवासा नगर पालिका को दिया है। जिला अधिकारी ने अपने अधिकार सेक्शन 133 क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत कंस्ट्रक्शन कंपनी को आदेश दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर सामरवर्णी में निर्मित ओवरब्रिज के दोनों साइड रोड का निर्माण नहीं किया जाता है तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं नगर पालिका को भी जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर सभी रोडों को रिपेयर करने का आदेश दिया है। जिन रोडों को रिपेयर करना है उनमें सिलवासा, रखोली सायली, खानवेल खेरडी, खानवेल दुधनी, कारचंद दुधनी, दादरा टिगरा रोड, अथाल रोड, खरड़पाड़ा रोड इत्यादि शामिल है। जिला अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने यह भी आदेश जारी किया कि सड़कों की रिपेयर नहीं करने पर होगी कानूनी कार्यवाही। ये आजकल सिलवासा की हालत सच में रस्तों के बारे में अगर खास कहा जाए तो बुरी है। हम ये समझ रहे हैं कि सीवरेज का काम बाकी है, अंडरग्राउंड वायरिंग का काम बाकी है, हो सकता है इसके वजह से अभी पूरी तरह से रास्ता नगर पालिका नहीं बना रही है, पंचायत में नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से खड्डों की बढ़ोतरी दिन पर दिन बढ़ रही है, उनको अगर अभी फिलहाल टेम्पररी पक्का रोड नहीं बना पा रहे तो उन खड्डों को तो कम से कम भरने का काम जल्द से जल्द करना चाहिए। आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमने नगर पालिका में भी बात किया था, इसके बारे में उन्होंने बताया कि कुछ काम बाकी होने की वजह से पूरा रास्ता नहीं बना पा रहे हैं। तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि बारिश का माहौल, ज़्यादा बारिश की दे रही है और उस हिसाब से इस अगर रोड पूरा नहीं बना पा रहे हैं तो खड्डों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि छोटे मोटे एक्सीडेंट जो हो रहे हो नहीं होंगे और लोगों को दिक्कतें नहीं आएगी। जी बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि रोड की जिम्मेदारी होती है तो उसके रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर से कुछ गारंटी भी होती है, 2-5 साल की गारंटी होती है जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। बल्कि उसके पहले ही रास्ते इतने अगर ख़राब होते हैं तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इन रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टरों की होती है, जिनसे ये हर्जाना लेना चाहिए और उनसे दोबारा जल्द से जल्द रोड बनवाना चाहिए। उसके लिए कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिया और हम इस आदेश से खुश हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि दादरानगर हवेली के रास्ते जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे। और साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे इन कॉन्ट्रैक्टरों पे सिर्फ काम ही नहीं करवा ले बल्कि अगर उन्होंने काम में घोटाला किया है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। उमरगांव तहसील के मुख्य मार्गों का क्षरण होते तंत्र द्वारा तुरंत मरम्मतीकरण की कामगिरी शुरू करने में आई। उमरगांव तहसील के मुख्य मार्गों का क्षरण होते तंत्र द्वारा तुरंत मरम्मतीकरण की कामगिरी शुरू करने में आई है। उमरगांव संजान मुख्य मार्ग पर वाहनों की लगातार आवाजाही देखने को मिलती है। वाहन चालकों को हालाकी का सामना करते देख वरौली खाड़ी के ब्रिज के दोनों तरफ रास्तों की मरम्मत की कामगिरी शुरू करने में आई है। निजी यूनिवर्सिटी में कृषि संलग्न अभ्यास की मंजूरी न देते वलसाड़ जिला के विद्यार्थी ने वलसाड़ जिला कलेक्टर को सौंपा आवेदन पत्र। राज्य सरकार और कृषि मंत्रालय द्वारा निजी यूनिवर्सिटी तथा कृषि संलग्न के अभ्यास की मंजूरी देने में आई थी। जिला में इस कृषि संलग्न के मंजूरी न देते आज रोज वलसाड़ जिला के कृषि क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा वलसाड़ जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपा था। निजी यूनिवर्सिटी में जो कृष्ण संलग्न का अभ्यास शुरू होगा तो इंजीनियरिंग की तरह इस क्षेत्र में भी बहुत से विद्यार्थी बेरोजगार बन जाएंगे और साथ ही में किसानों को भी बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र सौंपा गया था कि यदि सरकार द्वारा यह निर्णय वापस न लिया गया तो विद्यार्थियों द्वारा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर शांतिपूर्वक आंदोलन करने की चेतावनी देने में आई थी। અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવા મંજૂરી આપેલી છે, એના વિખંડન કરવા માટે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવેલા છે કે જે આ ખાનગી યુનિવર્સિટી ચાલુ કરી એનાથી જે આ સરકારી કોલેજો છે એગ્રીકલ્ચર રિલેટેડ એ લોકોના સ્ટુડન્ટો દર વર્ષે 1000 ની ઉપર બહાર પડે છે,
એ 1000ની ઉપર જે બહાર પડે છે એ લોકોને પણ પૂરતી જગ્યા નથી મળતી સરકારી નોકરીઓમાં કે બીજા કોઈ વિભાગમાં. તો ખાનગી યુનિવર્સિટીને પરમિશન શા માટે આપવી જરૂરી છે એમ, ને જો ખાનગી યુનિવર્સિટી એકને પરમિશન આપશે તેના પછી બીજી ઘણી બધી કોલેજો પણ શરૂ થશે. એકને પરમિશન આપશે તો બધા ચાલુ થઈ જશે. પછી જો એવું થશે તો અત્યારે જે એન્જિનિયર બીટીસી વાળાની જે હાલત છે એવી એગ્રીકલ્ચરમાં પણ હાલત થઈ જશે. એના લીધે જે ખેડૂતો છે એનો એ લોકોને પણ નુકસાન થવાનું છે. એટલે અમે આ એગ્રીકલ્ચર જ એક એવો સેક્ટર છે જેમાં પ્રાઇવેટાઇઝેશન અત્યાર સુધી આવ્યું નથી ને આગળ પણ ના આવે, એના માટે કલેક્ટર સાહેબને રજૂ કરવા માંગે છે. અને સરકારને પણ વિનંતી છે કે આવી જે પ્રાઇવેટ કોલેજો છે એને પરમિશન આપે નહીં ને એ લોકો વિરુદ્ધ કાયદો બનાવે, અને જો સરકાર અમારું નહીં સાંભળે તો પછી અમે આગળના પગલાં લઈશું. આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદન આપવા માટે ભેગા થયા છે. એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરની અંદર ખાનગીકરણ પગ પેસારો કરી રહ્યો છે, એનું અમે વિખંડન કરવા માટે અહીં એકત્રિત છીએ. અને સૌ પ્રથમ તો એ છે કે જે ખાનગીકરણ કોલેજો એ લોકો શરૂ કરી છે એની અંદર ના તો પૂરતો સ્ટાફ છે અને ના તો એમણે નેટ ક્લિયર કરી છે. જે પ્રોફેસરો ત્યાં કૃષિને સંલગ્ન શિક્ષા આપે છે. અને બીજું એ કે ખાનગીકરણથી માત્ર અમને વિદ્યાર્થીઓને જ નહીં પરંતુ જે અમારા ખેડૂત મિત્રો છે એમને પણ ઘણું નુકસાન થાય છે. અમે ગાંધી ચિંતા માર્ગે પગલાં લેશું. અમે કોઈ તોડફોડ કે એ રીતના કરવા નથી માંગતા. શાંતિપૂર્ણ અમે અમારી માંગને સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવા માંગીએ છીએ. નાના કોંડામાં મનાયા ગયા 71મા કપરાડા તહેસીલ સ્તર વન મહોત્સવ. રાજ્ય વન મંત્રી રમણ પાટકરને વન કા મહત્વ સમજાવકર કુદરતી સંપત્તિ કા સંરક્ષણ કરને બતાયા. વલસાડ જિલ્લા કે કપરાડા તહેસીલ સ્તર કે 71વે વન મહોત્સવ કા કાર્યક્રમ એન આર રાઉત સાર્વજનિક માધ્યમિક શાળા નાના પોંડા મેં વન ઓર આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ કે રાજ્ય સ્તર કે મંત્રી રમણલાલ પાટકર કે અધ્યક્ષ સ્થાન પર આયોજિત હુઆ થા. इस अवसर पर मंत्री और महानुभावों के हाथों साला के प्रांगण में वृक्षारोपण करने के साथ कपराड़ा तहसील के गांवों में पेड़ वितरण के लिए वृक्ष रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करवाया था. इस अवसर पर वन मंत्री रमणलाल पाटकर ने बताया कि वनों का महत्व समझकर कुदरती संपत्ति का रक्षण करने और जागृति फैले ऐसे प्रयास कर वृक्षों का रोपण बढ़ेगा तो भावी पीढ़ी को प्रदूषण मुक्त माहौल मिलेगा. कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करने में आई थी आभार विधि धर्मपुर RFO भूमिका बहन ने की थी. इस समारंभ में धर्मपुर विधायक अरविंद पटेल, जिला पंचायत आरोग्य समिति के अध्यक्ष गुलाब भाई राउत, नाना पोंडा सरपंच मुकेश भाई, कपराड़ा मामलतदार के एस, पूर्व विधायक चीतू भाई चौधरी, माधुभाई राउत, अग्रणी महेश भाई भट्ट, शाला के आचार्य, वन विभाग के सभी कर्मी उपस्थित रहे थे. समग्र गुजरात के अंदर मार्ग मुकामी अंदर हमारा 10,000 crore અત્યારે જ નાસ્તા કરતાં પહેલાં અમારા આગેવાનોને અરવિંદભાઈને અમારા સૌને કહ્યું છે એક સાથે તમે સર્વે કરો જ્યાં જ્યાં લો લેવલના બ્રિજો બનેલા છે અને ટંકા રીતે અસર કરવાને કારણે લો લેવલ બ્રિજ ડૂબી જતા અવારનવાર મુશ્કેલી કરતી હોય છે. જે ગામ ઊંચું પડી જતા તો હવે એક સાથે સરકારમાં રજા કરી અને એક સાથે એનું મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ આપી એટલા બધા પૂરો થઈ જાય. જેમ અમે ડાંગની અંદર પ્રભારી મંત્રી છું અને ઉંગલી સ્થિતિની અંદર વધારે પસાર પડ્યો અને એના કારણે સ્થળ પર જોવા માટે ગયા અને જોઈને ટોટલ 6 બ્રિજનું કારણ અમે કાઢ્યું. એમાંથી 4 બ્રિજ આ વખતે રજૂ થયા 43 કરોડ. તો આ જે પ્રશ્ન જે છે કે જ્યારે વધારે વરસાદ પડે ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે, પરંતુ અમારા જે અહીંયાના સત્તાધારી આગેવાનો છે એમને અમે વિનંતી કરી છે કે તમે સર્વે કરો, રિપોર્ટ કરો અને બધું એક ના આપો એટલે જેથી અમે એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરી શકીએ. એમ પણ ટ્રાઇબલ વિસ્તારની અંદર જે અમારી આઝાદી લોકશાહી જે કહેવાય એ ખરેખર હવે પછી અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં મળી અને એમાં અમે જાણીએ છીએ કે ઘણા નાના રસ્તાઓ સરકારના ખૂબ પ્રમાણની અંદર થઈ રહ્યા છે. લોકો એનાથી આનંદ પણ છે. કેટલાક લો બ્રિજના પહાડી વિસ્તાર છે એટલે લો બ્રિજના પ્રશ્ન છે, પણ એ પણ અમે 10 મહિના અંદર ચોક્કસ આ પ્રશ્નમાં કામ કરીશું. અત્યારે જે ગેટ મૂડી અને લોકો કરીને જતા હતા એમાં કલેક્ટર પણ ગઈકાલે ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું હતું. કલેક્ટર પણ કહ્યું છે અને મેં પીડબ્લ્યુડીને પણ પૂછ્યું તો એમાં 7 કરોડ સાહેબની રકમ નથી થઈ છે અને કાર્યક્રમ અમે આખા દિવસ.
71માં વન મહોત્સવ નિમિત્તે અમે ધરમ કડાળા તાલુકાના નાના બધા સ્કૂલમાં પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો. અમારો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે અમે ગામ લોકોને મિની સમાજને આપણે વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમમાં જોડી શકીએ, તેમજ કનૈયાલાલ મુનશીએ આ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી હતી અને એને આગળ ધપાવી આપણા વિશ્વને વધારે વધારે પર્યાવરણને આવરણ આપી શકીએ એ માટે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ અને અમે આ પ્રોગ્રામ દર વર્ષે જ કરીએ છીએ. તેમજ અમારા સામાજિક વનીકરણ વિભાગ તરફથી ખાતેદારોને તેમજ વૃક્ષારોપણ પણ કરી આપીએ છીએ, તેમજ લોકોને વિનામૂલ્ય રોપાનું વિતરણ કરીએ છીએ, જે માટે વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમ દરમિયાન વૃક્ષરોપ થતો કરીએ છીએ, જે ગામે ગામે ફરીને લોકોને રોપાનું વિતરણ કરે છે. वापी में मच्छी मार्केट के विस्तार में रहते परशुराम जोगमेरकर परिवार 1965 से अपने घर पर ही श्री जी की स्थापना करते आए हैं. 1960 में परशुराम के पिता नारायण जोगमेरकर वापी में शादी कर स्थायी हुए थे. तब से वे अपने घर पर ही गणेश जी की स्थापना करते आए हैं और इसके लिए कोई फंड एकत्रित नहीं करते थे. हाल में इस स्थान पर उनका पुत्र परशुराम जोगमेरकर ने इस परंपरा को बनाए रखा है. उनके अनुसार गुजरात में उनके जैसा यह पहला परिवार है जो घर पर ही गणेश जी की स्थापना करता है. इस साल कोरोना महामारी की वजह से उन्होंने सीमित रूप से महोत्सव मनाया है, इस बात को लेकर वे दुखी भी हैं. परशुराम के बताए अनुसार उन्होंने सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार श्री जी की स्थापना की थी, मगर अगले वर्ष धूमधाम से श्री जी की स्थापना करेंगे और आने वाली अनेक पीढ़ी तक श्री जी की स्थापना करते रहेंगे, ऐसा संकल्प किया है. आपको बता दें कि जोगमेरकर परिवार हर साल अपनी स्वेच्छा से महाकाय प्रतिमा की स्थापना कर भव्य पंडाल बांधते हैं, साथ ही में गलियों को रोशनी से सजाकर हर रोज भाविक भक्तों के लिए प्रसाद का आयोजन भी करते हैं, जो इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखते मुमकिन नहीं था. 1965 માં મારા ફાધર વાપી ગામે આવેલા અને મારા મધર વાપી ગામના જ છે અને મારા ફાધરે ગુજરાતના પ્રથમ એવા ગણપતિ ઘરના 1965થી એની સ્થાપના કરીએ છે. શ્રી લક્ષ્મી ગણપતિ એમનું નામ છે. શ્રી લક્ષ્મી ગણપતિના લીધે અમારા સમાજની અંદર અને અમારા ઘરોની અંદર આજ સુધી કોઈપણ જાતનું કલેશ યા કોઈપણ જાતની કોઈ પ્રોબ્લેમ આજ સુધી આવી નથી. સરકારની ગાઈડલાઇનના હિસાબે કોરોના વાયરસ જે આજે આ વિશ્વમાં છે એ કોરોના વાયરસના કારણે આજે ગણપતિની સ્થાપના ઘર ઘરના લોકો અમારી રીતે કરીએ છીએ, પણ આગલું વર્ષ જે આવશે આ કોરોના વાયરસ મટી જાય આ વિશ્વમાંથી અને આગલું વર્ષ અમે બહુ ધામધૂમથી આ શ્રી લક્ષ્મી ગણપતિની અમે સ્થાપના કરશું અને અમારી પેઢીઓની પેઢી આ લક્ષ્મી ગણપતિની સ્થાપના કરતી રહેશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આ લક્ષ્મી ગણપતિની સ્થાપના આ જે 1965થી હમણાં સુધી જે થઈ છે, અમારું એવું માનવું છે કે ગુજરાતના પ્રથમ ઘરના ગણપતિ એ શ્રી લક્ષ્મી ગણપતિ છે, એવું મારી લોકોને જણાવવાની આગ્રહ. વાપી કે કોચેરવા સ્થિત મહાકાલેશ્વર મંદિર પર ગણેશજી કી સ્થાપના કે બાદ પાંચવે દિન સરકારી ગાઈડલાઈન્સ કે અનુસાર મહાપ્રસાદ કા આયોજન કર કિયા ગયા વિસર્જન. वापी GIDC थर्ड फेज में आई कोचरवा स्थित महाफलेश्वर मंदिर पर पिछले 32 वर्षों से हरिओम मित्र मंडल के प्रमुख धीरूभाई पटेल और उनकी टीम द्वारा गणेश चतुर्थी की स्थापना की गई थी और इस कोरोना महामारी के चलते सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार स्थापना कर आज विसर्जन के पांचवें दिन सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसमें हर साल 4,000 से 5,000 लोग महाप्रसाद में भाग लेते थे, मगर कोरोना जैसी बीमारी को देखकर इस साल कम से कम लोगों को इस महाप्रसाद का लाभ दिया गया था. ભાઈ જાય જાય
हलेश्वर महादेव मंदिर में छेल्ला 33 वर्ष की गणेश स्थापना आयोजन करे ये आयोजन विसर्जन दिवसे अमे महाप्रसाद आयोजन करे दर वर्षे ओछा ओछा 4-5 हज़ार माणसों में रसोड़ो बनावता था जमाड़ता था पण आ वक्त कोरोना महामारी ने ध्यान में लईने जे सांजे अमे जमाड़ो राखता एने बपोरे राख्यो छे अने लिमिटेड माणसों माटे राख्यो छे अने एना माटे सोशियल डिस्टन्सनुं पालन कर्युं छे अने सरकारना नीति नियमनुं अमे चाल्या छे भगवान प्रार्थना कि दर वर्षे आ रीते अमने आयोजन करवानी शक्ति आपे प्रेरणा आपे। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पारडी पालिका के अध्यक्ष पद पर हसु राठौर और उपाध्यक्ष पद पर संगीता पटेल विजेता घोषित। सरीगांव में 7-11 कंपनी में लगी भीषण आग। वलसाड रूरल पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दादरा नगर हवेली में संदीप कुमार सिंह ने 24 घंटे के अंदर सड़कों के पुनरुद्धार का किया आदेश। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हिमा की कुटीचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम SP पंजा। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पर से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने के लिए बात करता हूँ, तभी कई लोगों के चेहरे पे ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों ले? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज तीन जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है, ऐसा जरूरी नहीं है। LIC जिंदा भी पैसा देती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द-गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
मिस्टर एंड मिसेस बत्रा एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है देयर हैज बीन मिक्स अप ओह माय गॉड हमारा भैदा मिक्स हो गया है मैं किसके बच्चे की मां बनूं वही है कौन इसके पिताजी पापी जी प्रेग्नेंट हो गए क्या और अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना क्यों नहीं होगा जी मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में मैं टेलीविजन पर पहली बार गुड न्यूज़ को बाय फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा शनिवार 15 अगस्त रात 8 बजे जी सिनेमा पर सीने में सिनेमा